फतेहपुर कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने की। बैठक में उद्योग उपायुक्त इंजीनियर प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती सत्येंद्र सिंह सहित कई उद्यमी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उद्योग बंधु की बैठक बेहद ही शानदार और उत्साहजनक रही, तभी तो बैठक के बाद उद्यमियों के चेहरे खिले हुए दिख रहे थे। फतेहपुर में जब से आईएएस श्रुति ने डीएम और आईएएस सूरज पटेल ने सीडीओ का चार्ज संभाला है, तब से जिला प्रशासन उद्योग और उद्यमियों के प्रति बहुत गंभीर हुआ है। यही कारण है कि उद्यमियों की समस्याओं का तेजी से निस्तारण हो रहा है, इससे उद्यमी भी काफ़ी गदगद हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक का संचालन उद्योग उपायुक्त इंजीनियर प्रताप सिंह ने किया, तो वहीं बैठक में सहायक उपायुक्त उद्योग प्रबल प्रताप सिंह, लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, महासचिव अमित गुप्ता, सदस्य फारूक, मनोज गांधी सहित कई उद्यमी और सीएफओ उमेश गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फायर एनओसी का मामला प्रमुखता से उठा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, उद्यमियों की इकाई को फायर एनओसी देने का मामला सामने आया है। उद्यमियों और सीएफओ दोनों का पक्ष सुना गया है। इसके निस्तारण के लिए अगली बैठक में यूपी सीडा के आरएम को संबंधित नियमावली लाने के लिए कहा गया है, इसे जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। तो वहीं बैठक के बाद लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिला उद्योग बंधु की बैठक बेहद शानदार माहौल में हुई। सीडीओ की अध्यक्षता में उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। फायर एनओसी का मामला उठा है, जिसे सीडीओ ने गंभीरता के साथ सुना है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसका निस्तारण होगा। जिसमें सबसे पहली बात तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने सभी अधिकारी विभागीय कर्मचारियों को ये कहा कि जो यहाँ की कार्यशैली है उसको आप लोग बदलिए, जब बदलेंगे तो अपने आप ज़िले में उद्योग बढ़ेगा और सब लोग आएंगे। इनमें फायर एनओसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जून 2022 में एक शासनादेश जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि जितनी भी इकाइयाँ हैं अगर उन्होंने काफ़ी समय पहले स्थापित कर लिए हैं, उनके पास सेट बैक की कोई समस्या है, तो उसमें सुरक्षा से संबंधित संयंत्र स्थापित कराकर सीएफओ उनको एनओसी जारी करे। लेकिन हमारे फतेहपुर में जितनी भी इकाइयाँ चल रही हैं उनमें से सीएफओ के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। ये भी हमने माननीय आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सामने अपनी बात रखी, जिससे उनके द्वारा सीएफओ को कहा गया है एवं सख्त निर्देश भी दिया गया है, उद्यमियों के साथ बैठकर समन्वय बनाकर सबको सुरक्षा की दृश्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की आदेशानुसार सबको एनओसी अनापत्ति प्रमाण जारी करें और जो भी उद्यमियों की समस्याएं हैं उनको जमीन पर उतारने का कार्य। फतेहपुर से डेली इंसाइडर रिपोर्ट के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।